नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। साइक्लोन दाना आज रात ओडिशा तट से टकराएगा, तेज हवा बारिश जारी, 16 घंटे उड़ाने, साथ ही साथ 552 ट्रेनें रद्द, बंगाल समेत 7 राज्यों पर होगा असर। भाजपा का नया अध्यक्ष, दक्षिण भारत से बनने पर मंथन, दिसंबर में मिल जाएगा नया चेहरा। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर को कार में जिंदा जलाने के मामले में 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। चेन्नई में श्रीराम प्रॉपर्टीज के परिसर पर ईडी ने की छापेमारी। झारखंड उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने गांडिये सीट से किया नामांकन। पुणे टेस्ट मैच में आज अश्विन ने दिलाई टीम इंडिया को दूसरी सफलता, विल यंग 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, करहर से अनुजेश यादव को मिला टिकट। यूपी में अयोध्या के एडीएम सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिला शव। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति, पति रॉबर्ट्स 66 करोड़ के मालिक, भाजपा बोली दोनों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। जयपुर में रिश्तेदार ने किया युवती से रेप, विरोध पर जान से मारने की दी धमकी, मदद मांगने पर मकान मालिक ने भी किया दुष्कर्म। रूस में आज ब्रिक्स प्लस, जयशंकर शामिल होंगे, द्विपक्षीय बातचीत में मोदी बोले आपसी विश्वास जरूरी, जिनपिंग ने कहा कि एक दूसरे से खतरा नहीं। लखनऊ में भीषण एक्सीडेंट, 2 दोस्तों की मौत, तेज रफ्तार केटीएम बाइक पर 3 युवक सवार थे, ट्रक से टकराकर दीवार से भिड़े। लाश को भर्ती बताकर 5 लाख वसूले, लखनऊ के चरक अस्पताल में परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बीजेपी ने पूर्व मंत्री का टिकट काटा, 84 से कारी लाल उम्मीदवार। रेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, गोरखपुर में मां और 2 बहनों ने पीटा दरोगा और सिपाही का फटा सिर। बड़े खेलों को हटाया जाना निराशाजनक, क्रिकेट हॉकी को ग्लास्को खेल से हटाए जाने पर बोली पीटी उषा। दलित समाज का गांधी परिवार ने अपमान किया, बीजेपी ने लगाया आरोप। महाराष्ट्र चुनाव के बीच अनिल देशमुख का बुक बम, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच संसदीय समिति के सामने नहीं हुई पेश। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार, 5 करोड़ की फिरौती मांगने के बाद माफी मांगी थी, झारखंड के जमशेदपुर में सब्जी बेचता है। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।